प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज पुलिस प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश के अनुरूप बाहुबली भू माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद की 3 अलग अलग प्रॉपर्टी पर कुर्की करते हुए कुल 76 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है। मुकदमा अपराध संख्या 200। गौरतलब है कि प्रयागराज के धूमंगंज थाने में मुकदमा संख्या 200/2020 गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, जिसकी विवेचना धूमंगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा था। जिलाधिकारी के आदेशानुसार प्रयागराज पुलिस द्वारा बाहुबली भूमाफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद एवं उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों को जमींदोज करने एवं कुर्क करने की कार्रवाई लगातार की जा रही थी, जिसके क्रम में आज एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज पुलिस द्वारा 76 करोड़ से ज्यादा के मूल्य की 3 अलग अलग संपत्तियों को कुर्क किया गया। अभियुक्त अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन के नाम भूखंड संख्या 666, क्षेत्रफल 1.9450 हेक्टेयर में से 9725 वर्ग मीटर, मौजा ग्राम साहा उर्फ पीपल गांव तहसील सदर प्रयागराज की अचल संपत्ति को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा क वार्ड संख्या 20202203000 वर्ष 2022 में पारित निर्णय आदेश दिनांकित 20/8/2022 के तहत कुर्क किया जाता है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशानुसार भू माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद एवं उनके रिश्तेदारों की जमीनों पर प्रयागराज पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 20 अगस्त को प्राप्त जानकारी के आधार पर जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश पर आज यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुल 12 बीघा से ऊपर की जमीन जिसकी अनुमानित कीमत 76 करोड़ से ज्यादा की है, जिसकी कुर्की की गई है। इसके अलावा भी आगे भी इस प्रकार की किसी जानकारी के आधार पर प्राप्त संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये क्राइम नंबर 200/2020 जो गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमा थाना धूमनगंज का है, इसकी विवेचना इंस्पेक्टर धूमनगंज द्वारा की जा रही थी। इसमें नामजद अभियुक्त अतीक अहमद हैं, उनकी प्रॉपर्टी का लगातार विवेचक द्वारा प्रयास किया जा रहा था जानने का। ये रोड साइड आज 3 प्रॉपर्टियाँ उनकी जानकारी मिली है सदर तहसील की, जो कि लगभग रकबा 12 बीघा से ऊपर हो रहा है और इसकी अनुमानित कीमत जो मार्केट में है वो 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इसकी रिपोर्ट दी गई थी जिलाधिकारी महोदय को, उनके द्वारा दिनांक 20/8 को इसमें आदेश किया गया था कुर्क करने का, जिसके कंप्लायंस में आज इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है और इसके प्रशासक जो है SDM सदर साहब नियुक्त हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और इस सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है जब ये संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी गतिविधि या प्रवेश विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयागराज पुलिस का अभियान जारी है और जहां भी इनकी अपराध अर्जित अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है उसकी रिपोर्ट दी जा रही है और कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। आज ये 3 जगह की संपत्तियां कुर्क की जा रही है, जिसकी कीमत 76 करोड़ से अधिक की।